आज की वीडियो में मैं तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन को पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। दो छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है, इसमें से एक छात्र दूसरे छात्र से 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे छात्र की आयु कितनी है आपको ये बताना। आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बिना पेन और पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा। सबसे पहले दिया क्या है, दोनों छात्रों की आयु का अनुपात आपको दे दिया, कितना अनुपात है। अगर मैं मान लू ये फर्स्ट छात्र है और ये क्या सेकंड छात्र है, दोनों के बीच का अनुपात कितना दिया, आयु का अनुपात 3:2 दिया है। फिर देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये तो अनुपात आपको दे दिया, फिर कहा कि इनमें से एक छात्र दूसरे छात्र से कितना वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है, या फिर हम लोग क्या कहें अंतर है, यानी दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5 वर्ष का है, या कह सकते हैं दोनों के बीच का अंतर कितना या बड़ा कह सकते हैं, बात तो वही है। अब यहां से हम लोग लिख लेते हैं दोनों की आयु में अंतर कितने वर्ष का है, यहां से 5 वर्ष का अंतर है। अगर ये देखा जाए तो रेशो में दोनों में कितने वर्ष का अंतर, रेशो में कितने का अंतर है, मैं देख रहा हूँ रेशो में 1 का अंतर है। आयु में कितने, 5 वर्ष का अंतर है, लेकिन दोनों में रेशो में कितने का अंतर है, 1 का अंतर। इस अंतर से इस अंतर में क्या करिए, भाग दीजिए। जितनी बार भाग जाएगी, पूछा क्या आपसे, क्या पूछा है, छोटे छात्र की आयु पूछा है ना, तो जो रेशो में छोटा होगा वही तो छोटा छात्र होगा, तो जो रेशो में छोटा होगा वही आपको क्या हो जाएगा, छोटा छात्र होगा। जितनी बार भाग जाएगी तो इसमें लाके गुणा कर दे, छोटे की आयु पता चल जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 5 × 10 हो गया, अर्थात ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। अगर आप देखिए बिना पेन और पेपर के सॉल्व करना चाहते हो तो मेरी बात को सुनिए, पूछा कि यहाँ से क्या दिया, दोनों छात्रों को ये अंतर दिया है, तो करना कि आपको यहाँ से रेशियो में अंतर करिए, तो एक अंतर मिलेगा, इस अंतर से इस अंतर में क्या कर दिया, भाग दिए। अगर भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 5 बार जाएगी, जितनी बार भाग जाएगी, छोटे छात्र के पूछा है तो जो रेशियो में छोटा होगा इसमें लाके गुणा कर दे, आपको क्या जाएगा आंसर, है कि नहीं, ये आपको क्या गया आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि ए बी सी का अनुपात दे दिया इतना है, तो आपको ये बताना है कि इसका मान कितना होगा, इसे सॉल्व करके बताना है कि इसका मान कितना आएगा। तो सबसे पहले सब कुछ पता, ए का मान 2 है और बी का मान कितना 3 है, सी का मान कितना 4 है, तो जहां पे ए इसके क्या रख सकते हैं, आप 2 रख सकते हैं, और जहां पे बी इसके 3 रख सकते हैं, और जहां पे सी इसके कितना रख सकते हैं, आप 4 रख सकते हैं। हम लोग इस पर रख के सॉल्व करते हैं, अगर ए की जगह कितना रख लिया, 2 रख लिया जाए, और बी की जगह कितना रख लिया, 3 रख लिया। अब यहां से करना है तो बी की जगह कितना रखेंगे, हम लोग 3 रखेंगे, और सी की जगह कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, यही ना। फिर यहां से सी है तो क्या करना, ऊपर 4 रखना पड़ेगा, और इसलिए कितना रखना पड़ेगा, ए का मान कितना है, 2, इसलिए आपको 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां से ये कट रहा है तो कार्ड के छोटा के लिए कितना, 2 × 4 हो जाएगा, और 2 × 1 = 2, तो यहां से आप ये कर सकते हैं, क्या मिलेगा आपको, 2/3 हो जाएगा, 2/3 रेशियो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। ठीक है, अब करने के अगर रेशियो की बात हो रही तो रेशियो अपने आप में, अगर इनके बीच में रेशियो लगा है तो रेशियो अपने आप में बटा फॉर्म नहीं रखता है, अर्थात जो नीचे वाला बटा दिख रहा है रेशियो अपने फॉर्म में ये बटा वाला फॉर्म नहीं रखता है। तो करने के इसको हटाने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, सबसे पहले करने के इसको ढक लिया, अगर आपको इसकी जगह लिखना है तो इसको ढक लीजिए, इसका गुणा इसका करिए, इसका गुणा करिए कितना, 4 × 4 हो गया, इसमें गुणा करिए कितना हो गया, 4 × 8 हो गया। ठीक है, अगर आप इसकी जगह लिखना है तो इसका वाला ये ढक लीजिए, इसका गुणा इसमें करिए तो 3 × 3 हो गया, और इसकी जगह इसमें गुणा कर लिए तो कितना, 3 × 3 = 9 हो गया। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको इसकी जगह लिखना है तो इसको ढक लीजिए, इसका गुणा इसमें करके 3 × 3 हो गया, और इसकी जगह क्या गया, इसमें गुणा कर लिए, 3 × 3 = 9 हो गया। अगर इसकी जगह लिखना है तो इसका वाला ढक लीजिए, इसका गुणा इसका करिए, इसका इसमें करेंगे कितना मिल जाएगा, यहाँ से 3 × 4 = 12, इसमें करेंगे 12 × 2 कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, ये 12 × 2 कितना हो गया, 24 हो गया। मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ इसमें करना है क्या। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको इसकी जगह लिखना है तो ये वाला ढक लेना होगा, इसका गुणा इसमें करिए 4 × 4 हो गया, और इसमें गुणा के 4 × 2 = 8 हो गया, इसकी जगह मैंने 8 लिख लिया। अगर आपको इसकी जगह लिखना तो ये वाला ढक लीजिए, इसका गुणा इसमें करिए 3 × 3 हो गया, इसमें गुणा के 3 × 3 = 9 हो गया, इसकी जगह मैंने 9 लिख लिया। अगर इसकी जगह लिखना है तो नीचे वाला ढक लीजिए, इसका गुणा इसमें करिए कितना, 4 × 3 = 12 हो गया, और 12 × 2 कितना हो गया, 24 हो गया। ऐसा करने के बाद ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। किसी एक संख्या से कटेंगे नहीं ये लोग, तो क्या करें आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए, आपको ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का अनुपात 5:2 है, इसमें कितना तेल और मिलाया जाए कि यह अनुपात कितना हो जाए, 2:1 हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या दिया, 28 लीटर में क्या दिया है आपको, पेट्रोल है और तेल है, तो
तो सबसे पहले ये जाने कि 28 लीटर में कितना पेट्रोल है और कितना तेल है। तो सबसे पहले ये पता कर लें, यहां से दिया क्या पेट्रोल है और ये कितना है तेल, इनका अनुपात कितना दिया 5:2 है, और दोनों मिलाकर कितना 28 लीटर हो रहे हैं, दोनों मिलाकर कुल कितना हो रहे हैं 28 लीटर हो रहे हैं। अगर दोनों मिलाकर 28 लीटर हो रहे हैं तो रेशो में दोनों को मिलाया तो कितना मिलेगा यहाँ से योग 7 मिलेगा। इस योग से इस योग में क्या करिए भाग दीजिए, तो भाग कितनी बार जाएगी 7 × 28, जितनी बार भाग जाएगी अगर इसका लाके इसमें गुणा कर देंगे आपको पेट्रोल पता चल जाएगा, अगर इसका लाके इसमें गुणा कर देंगे आपको तेल पता चले कितना तेल है, इसमें गुणा करिए 4×5 = 20 हो गया, अर्थात आप बता सकते हैं कि 20 लीटर क्या पेट्रोल है, इसमें लाके गुणा करिए कितना हो जाएगा 4×2 = 8, ठीक है। तो यहां से आपको यह पता चल गया कि तेल कितना 8 लीटर, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो फिर कितना मिलेगा आपको 28 लीटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो कंडीशन हो गया ये वाला, फिर जा के अरे इसमें कितना तेल और मिलाया जाए यह अनुपात कितना हो जाए, दोनों के बीच का अनुपात कितना हो जाए इतना हो जाए, इतना अनुपात होने की बजाय इतना हो जाए इसमें कितना तेल और मिला दिया, इसमें कितना तेल और मिला दिया जाए इसमें डॉट डॉट करके कि इनका नया अनुपात कितना हो जाए इतना हो जाए। तो कैसे पता करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूं। तो सबसे पहले क्या करें 20 बटा कितना कर लिए 8 कर लिए, इसमें ये पूछा कितना तेल और मिला देता, हम लोग मान लें कितना मिला दिया एक्स लीटर मिला दे रहे हैं, ठीक है एक्स लीटर हम लोग तेल मिला दे रहे हैं। अब इसे सॉल्व करने पे इसका मान कितना मिल जा रहा है 2:1 मिल जा रहा है, कितना मिल जा रहा है ये 2/1 मिल जा रहा है, यही तो। अब करने की इसे सॉल्व करके आपको क्या बताना है एक्स का मान बताना है, इसका गुणा इधर कर लें कितना मिल जाएगा 20 मिल जाएगा, इसका गुणा इधर करेंगे 20 मिल जाएगा, इसका गुणा इधर करें कितना 8×2 कितना 16 हो गया और कितना ये 2x हो गया, क्लियर है इतना। अब ये जाके इधर घट जाएगा, अगर ये जाके इधर घटेगा तो इधर से कितना ये 2x तो रहेगा ही, ये जाके इधर घटेगा तो बचे कितना 4 बचेगा, क्लियर है। अब यहां से ये कट जाएगा तो काट के छोटा के लिए एक्स बराबर कितना आ गया आपको 2 आ गया, अर्थात एक्स की मात्रा कितना आ गई 2 लीटर। अगर 2 लीटर क्या कर दिया तेल और मिला दिया जाए तो नया अनुपात कितना हो जाएगा इतना इनका अनुपात हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कौन सा मैच करा 2 लीटर, तो सी ऑप्शन इसका मैच करा। अगर आप करें कि 28 लीटर में क्या कर देंगे 2 लीटर तेल और मिला देंगे तो क्या हो जाएगा पेट्रोल और तेल का अनुपात कितना हो जाएगा इतना इनका अनुपात हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया एक कार तथा एक रेल की गति का अनुपात 15:22 है, यदि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो कार की गति कितनी है आपको ये बताना है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं यहीं पे भी सॉल्व कर सकते हैं, फिलहाल मैं आपको नीचे लिख के सॉल्व करा रहा हूं। यहां से दिया क्या है कार और ये रेल, इनकी चालों का अनुपात दिया है, यानी गति का मतलब क्या चाल, इनकी चालों का अनुपात कितना दिया है 15:22 कितना दिया है 22 दिया है, यही तो है। फिर अगले इस क्वेश्चन में क्या कहा गया यदि रेल की गति कार की गति से कितना अधिक है 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो कार की गति आपको बताना है। यहां से दिया गया किसकी गति, रेल की गति जो है इतना किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यानी कह सकते कितना अधिक है चाल, रेल की गति जो कार की गति से कितना अधिक है 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यही तो है। अगर ये देखा जाए तो रेल की गति कार की गति से रेशो में कितना अधिक है, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ से कितना अधिक है 7 अधिक है, इस तरह से कितना 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है और इस रेशो में कितना 7 अधिक है, इस अधिक से इस अधिक में क्या करिए भाग दीजिए, ठीक है। जितनी बार भाग जाएगी तो पूछा कि कार की गति पूछा ना, तो जितनी बार भाग जाएगी कार वाले मिला के गुणा कर दी तो आपको क्या पता चल जाएगा कार की चाल आपको पता चल जाएगी, इसका गुणा इसमें करिए कितना हो जाए 15×5 = 75, अर्थात आपको ये पता चल गया कि कार की कितना गति 75 किलोमीटर प्रति आवर्स है, कार की चालक को पता चले कितना 75 किलोमीटर प्रति आवर्स है। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। इसमें करना है कि आपको यहां से दोनों के रेशियो में अंतर करना है, इसमें भाग दे देंगे जितनी बार भाग जाएगी आपको करना है कि कार वाले मिला के गुणा कर दे आपको क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 4/7 है, तो पहली तथा दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा आपको ये बताना, ठीक है। अगर हम लोग मान लें पहली संख्या क्या x है और दूसरी संख्या कितना मान लें y मान लें, ठीक है। तो कहा क्या पहली संख्या क्या का एक संख्या, पहली संख्या कितना हो जाएगा 40%, अगर आप इसका 40% निकालेंगे तो परसेंटेज हटाएंगे बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर दूसरी संख्या का कितना है 4/7 है, अगर दूसरी संख्या कितना मान लिया y मान लिया तो इसका कितना ये है 4/7 ये क्या ये बराबर है, यहां से ये क्या है बराबर है। तो करना है कि आपको क्या करना है पहली और दूसरी संख्या के बीच का क्या करना है आपको अनुपात बताना है, मतलब ये कि क्या करना है आपको x और y के बीच का क्या करना है आपको अनुपात बताना है।
तो यहां देखिए 20 से ये भी कटेगा, 20 से ये भी कटेगा, 20 दुना 40 हो गया और 20 बचे 100 हो गया। यहां से कटेगा कितनी बार कट, 2 दुना 4। तो करना है कि आपको एक्स वाई का मान बताना, एक्स वाई एक साइड कर लीजिए, एक्स वाई यहीं पर हम लोग रहने दे रहे हैं और वाई को इधर ला दे रहे हैं, ये बटा हो जाएगा ये। अब करने के इसका त्रिक में गुणा के लिए ऊपर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, साथ ही इधर कुछ बचा नहीं है तो ये हमारा नीचे कितना रहेगा 7 ही रहेगा। तो क्या पूछा आपको, अनुपात पूछा है ना, अगर कहीं पे ऐसा लिखा तो आप इसको इस तरह से लिख सकते, कोई फर्क नहीं है। एक्स अनुपात कितना लिख सकते हैं वाई, कोई फर्क नहीं। अगर कहीं पे बटा फॉर्म लिखा तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या कहीं पे ये चीज लिखा तो आप इसको इस तरह से लिख सकते, कोई फर्क नहीं है। मैंने इसको इस तरह से लिख दिया तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, 10 अनुपात कितना कर लेंगे 7। अर्थात आप बता सकते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात कितना हो जाएगा, 10 अनुपात 7 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, कुछ राशि ए बी सी और डी के बीच क्रमशः 5 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 3 के अनुपात में वितरित की गई, यदि ए को सी से 1000 रुपए अधिक मिले तो बी का भाग कितना है, आपको ये बताना है। ठीक है, क्या कहा गया, ए को सी से कितना अधिक मिले, 1000 रुपए अधिक मिले। ठीक है, आपको करने के आप यहीं पे सॉल्व कर लिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगर ये देखा जाए, या नीचे मैं लिख दे रहा हूं, ए बी सी डी इनका अनुपात कितना है, 5 अनुपात 2 अनुपात कितना है, 4 अनुपात कितना 3 है। फिर कहा कि ए को सी से कितना अधिक मिला, 1000 रुपए अधिक मिला, 1000 रुपए क्या अधिक मिला। अगर ये देखा जाए तो रेशियो में कितना अधिक मिला, ए को सी से कितना अधिक मिला रेशियो में, अगर इसको 5 रुपए मिले तो इसको कितना मिला, 4 रुपए अधिक, तो ए को कितना रुपए अधिक मिला है, 1 रुपए अधिक मिला, रेशियो में कितना 1 अधिक मिला है, लेकिन क्वेश्चन में कितना कहा गया, 1000 रुपए अधिक मिला है। तो इस अधिक में क्या करिए, भाग दीजिए, क्या करना आपको भाग देना, तो भाग कितनी बार जाएगी यहाँ से, 1000 बार जाएगी। जितनी बार भाग जाएगी, और किसका हिस्सा पूछा है, बी का पूछा है ना, तो जितनी बार भाग जाएगी बी वाले में ला के गुणा कर दिए, आपको क्या जाएगा आंसर जाएगा। तो इसमें गुणा करें कितना हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। अर्थात आप बता सकते हैं कि बी का भाग कितना हो जाएगा, 2000 रुपए। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि p प्लस क्यू का 20% p माइनस क्यू का 50% हो, यानी इसके क्या बराबर हो, तो p और q के बीच में क्या बताना आपको, अनुपात बताना, p अनुपात q का मान कितना होगा आपको यही बताना है। तो सबसे पहले क्या दिया, आप यहां से लिख लीजिए, p प्लस कितना ये है, पी प्लस क्यू का मतलब यहां से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और ये 20% दिया, बराबर कितना दिया, पी माइनस क्यू, और यहां से जो का मतलब यहां से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 50%। अब देखिए अगर यहां से दोनों बराबर हैं तो परसेंट से परसेंट यहां से रिजेक्ट हो गया, अब देखिए जीरो से इसका ये क्या हो गया, जीरो कट गया। तो करने के इसका इसमें गुणा कर लिए कितना हो जाएगा, यहां से 2p हो जाएगा, इसमें गुणा करें कितना हो जाएगा, 2q हो जाएगा। क्लियर, इतना अगर आप इसका इसमें गुणा कर लें कितना हो जाएगा, तो 5p हो गया, इसमें गुणा करें कितना, -5q हो गया। अब करना क्या आपको, पी क्या करना आपको, एक साइड करना है, और क्यू क्या करना आपको, एक साइड करना है। अगर मैं इसको इधर कर दूं, इस वाले को इधर ट्रांसफर कर दूं, इसका साइन इधर प्लस है, दूसरे साइड या जिसका साइन क्या हो जाए माइनस है, तो 5 में से 2p घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3p आपका बचेगा। अगर इसको दूसरे पक्ष में भेजा जाए तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, 7q हो जाएगा। तो आपको बताना है कि p अनुपात q का मान बताना है, तो p को हम लोग यहीं पे रहने दे रहे हैं और q को इधर ला दे रहे हैं, अगर इधर लाएंगे तो p बटे q हो जाएगा। अब इधर 7 बचा है और 3 आके इधर क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा, तो इधर से इतना। ठीक है, तो मैंने आपको बताया अगर कहीं पी बटे क्यू लिखा तो आप क्या, अगर कहीं बटे के फॉर्म में लिखा तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पी अनुपात क्यू लिख सकते, कोई फर्क नहीं, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इसको भी तो इस तरह से लिख सकते हैं, 7 अनुपात कितना हो जाएगा, ये 3 है। अर्थात आप बता सकते हैं कि पी और क्यू के बीच का अनुपात कितना हो जाएगा, 7 अनुपात 3 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या अनुपात होगा, आपको ये बताना। ठीक है, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताया सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन लगेगा, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, तीन संख्याओं का योग 64 है, पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात कितना, 3:5 है, जबकि दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का अनुपात कितना, 5:8 है। तो पूछा कि आपसे दूसरी संख्या क्या होगी, आपको ये बताना है। ठीक है, तीन संख्याएं जिनको जोड़ा जाए तो इनका योग इतना मिल गया,
पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात आपको इतना दिया है, फिर क्या दिया, दूसरे और तीसरी संख्याओं का अनुपात कितना, इतना दिया है। आपसे पूछा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, आप ये बताना, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए, अगर हम लोग पहली संख्या माने कितना ए है और दूसरी संख्या कितना बी माने और तीसरी संख्या हम लोग माने कितना सी है, हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। यहां से दिया गया ए अनुपात बी, इनके बीच का अनुपात कितना दिया है, 3:5 दिया है, क्लियर इतना। फिर क्या कहा गया है, दूसरे तथा तीसरे, दूसरी संख्या का मतलब बी हो जाएगा और तीसरा मैंने क्या मान लिया, सी मान लिया। तो यहां से बी अनुपात सी, इसका मान कितना दिया आपको, 5:8 दिया है, ठीक। तो करने के आपको यहां से किसी प्रकार से क्या करना है, आपको एबीसी का मान निकालना है। इसका तरीका मैंने आपको पार्ट वन में बता दिया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट वन को एक बार जरूर से देखें, ठीक है। इसका प्रोसेस क्या होता है, मैंने क्या बताया, अगर जो इसका अंत है अगला वाला इससे प्रारंभ होना चाहिए, इसी से प्रारंभ होना चाहिए, तो ये इस बात को फॉलो करें। दूसरी कंडीशन मैंने आपको ये बताया था, क्या देखिए दोनों जगह बी का मान सेम है क्या, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बी का मान कितना 5 है और यहाँ पे भी बी का मान कितना 5 है। अगर दोनों जगह सेम मान है तो आपको करना है क्या, आप बता सकते हैं ए का मान कितना 3 है और बी का मान कितना 5 है और सी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा। आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, 3, 5 और ये 8 हो गया, ठीक है। अर्थात आप बता सकते हैं एबीसी का मान इतना आ गया, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे लिखा है इसको यहाँ पे लिख सकते, कोई फर्क नहीं है, नीचे लिख लिया कोई फर्क नहीं है, ठीक है। यहां से अब आपको क्वेश्चन में ये कहा गया तीनों संख्याओं के बीच का योग कितना, तीनों संख्याओं का योग कितना 64 है और हमको तीनों संख्याओं के बीच का क्या पता चल गया, अनुपात पता चल गया। यहां से तीनों संख्याओं का योग कितना दिया है, योग कितना ये है 64 है। अगर यहां से तीनों संख्याओं के बीच का अनुपात आपको पता चल गया, अगर रेशो में तीनों संख्याओं को जोड़ा जाए तो कितना मिल जाएगा, यहाँ से 5, 3, 8, 8, 8 कितना मिल गया, 16 मिल गया। रेशो में तीनों संख्याओं का योग 16 है और इस तरह से कितना है 64 है। इस योग से इस योग में क्या करिए, भाग दीजिए, तो भाग कितनी बार जाएगी, 16 चौक 64। जितनी बार भाग जाएगी, आपसे पूछा है क्या, दूसरी संख्या पूछा ना, यानी क्या बी का मान पूछा है, जितनी बार भाग जाएगी बी वाले मिला के गुणा कर दिए, आपको क्या जाएगा आंसर, 4×5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अर्थात आप बता सकते हैं कि दूसरी संख्या कितनी है 20 है, ये इसका क्या गया आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 3 कारों द्वारा 1:2, 2:3 के अनुपात में दूरी तय की जाएगी, यदि यात्रा के समय का अनुपात कितना इतना हो तो उनकी चालों का अनुपात कितना होगा, आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन में क्या दिया आपको, दूरी का अनुपात आपको दे दिया है और नीचे क्या दिया है, समय का अनुपात आपको दे दिया, तो पूछ क्या रहे हैं आपसे, चालों का अनुपात पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये फिलहाल क्वेश्चन जो आपका टाइम एंड डिस्टेंस का, बट यहाँ रेशियो की बात हो रही है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। तो आपको पता है क्या, चाल बराबर होता क्या है, चाल बराबर होता क्या है, दूरी बट्टा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, यही तो होता है। अब देखिए रेशियो में आपको दूरी पता है और यहाँ से समय पता है, यही तो है। आपको क्या पूछा, चाल का अनुपात पूछा है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर लीजिए, डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो चाल बराबर होता क्या, दूरी बटा समय, तो दूरी आपको रेशियो में पता कितना 1 है और समय कितना है 3 है, तो करना क्या है, दूरी बटा समय हम लोग यहाँ से कर ले और इनके बीच में रेशियो लगा दे। फिर यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना दूरी है 2 किलोमीटर और समय कितना यहाँ से दिया है 2 दिया है, ठीक है। फिर यहाँ से कितना ये 3 है, तो 3 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इस तरह से कर लेंगे। अगर आप इस तरह से कर लेंगे तो और इनके बीच में क्या लगा, रेशियो लगा, तो रेशियो क्या खासियत होती है, अपने आप ही ये बटा फॉर्म नहीं रखते। तो बटा फॉर्म हटाने के लिए करें क्या, हम लोग करेंगे यहाँ से, आपको यहाँ से अगली लाइन से लिखना होगा। अगर हम इसकी जगह लिखना हो तो मुझे क्या करना, इसको ढक लेना हो, इसको ढक के क्या करना, इसका गुणा इसमें करिए 2 × 1 = 2 हो गया, इसका जितनी बार गुणा हो गया 2 × 1 = 2 हो गया, फिर इसमें गुणा करके कितना हो जाएगा 2 मिल जाएगा, ठीक है। अर्थात इसे कितना आ गया 2 हो गया। अगर इसकी जगह लिखना तो इसको ढकिए, इसका गुणा इसमें करिए 3 × 3 हो गया और इसमें गुणा कर लिए 3 × 3 हो गया और 3 × 2 कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, क्लियर। अगर इसकी जगह लिखना हो तो क्या करना, आपको इसको ढकना होगा, इसका गुणा करिए कितना 3 × 6 हो गया, 6 × 3 = 6 हो गया, 6 का गुणा इसमें करिए कितना हो जाएगा 6 × 3 = 18 हो गया, ठीक है, ये 6× 3 = 18 हो गया। अब देखिए किसी एक संख्या से कट रहे हैं क्या, तो काट के छोटा कर लीजिए, तो 2 से सभी कट रहे हैं, तो 2 × 1 = 2 हो गया और 2 × 3 = 6 हो गया और 2 × 9 = 18 हो गया, अर्थात ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। मैंने आपको क्या बताया, कैसे मैंने इसको इस तरह से लिखा, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं आपको, अगर इसकी जगह लिखना तो मुझे क्या करना, ये वाला ढकना होगा, इसका गुणा करिए 2 × 2 हो गया और इसमें गुणा करते कितना हो जाएगा 2 ही मिलेगा आपको। अगर आपको इसकी जगह लिखना है तो इसको ढकिए, इसका गुणा इसमें करिए 3 हो गया और 3 × 6 हो गया। अगर इसकी जगह लिखना है इसको ढक लीजिए, तो 3 × 6 हो गया, 6 × 3 कितना हो गया 18 हो गया।
अब देखिए किसी एक संख्या से कट रहे तो काट के इनको छोटा कर ले, अब क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है।